2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती वर्ष को गांधी जयंती समारोह के रूप के साथ पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जयंती भी मनाया गया। आयुक्त कार्यालय पर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने ध्वजारोहण किया और लोगों को देश की एकता और अखंडता के लिए बढ़ चढ़कर कार्य करने की अपील की। इस अवसर पर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने अपने संबोधन में कहा कि सादा जीवन, उच्च विचार, मितव्ययता, नैतिकता, भाईचारा तथा सर्वधर्म संभाव जैसे आदर्श जीवन मूल्यों को अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत मंडलवासियों से अपील की कि 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी को अपनाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने सैनिटाइजर साबुन से बार बार हाथ धोने पर बल दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, पंजाब गंगा हिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। अवसर पर परम श्रद्धेय आयुक्त महोदय और हमारे साथी और हमारा कमिश्नरी परिवार, जैसा आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी की प्रेरणा पूरा दुनिया में सभी लोग लेते रहे हैं और हमारे देश में, खासकर भारत में, इसका प्रभाव इतना बड़ा रहा। आज आज़ादी से लेके आज़ादी तक की जो भी गतिविधियां हुई हैं उसमें बीच में महात्मा गांधी की अवधारणा, कॉन्सेप्ट जो है वो हम सारी सरकारों में रहा है। जैसे इस समय भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री बार बार आत्मनिर्भर होने वाली बात करते हैं, और तो सबसे पहले मूल अवधारणा जो है वो महात्मा गांधी की ही थी। और आज भी इतने साल आज़ादी के, इतने साल के बावजूद भी हम लोग अभी भी हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में लगे हैं। हमारी सारे सरकारों के जितने भी उच्च अधिकारी हैं सब लोग प्रयास करते आए हैं, उसके बावजूद भी कई सारी हमारे देश में अभी भी काफ़ी कुछ कमियाँ रह गई हैं जो हम लोगों को पूर्ण कराने में के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, और भविष्य में ये प्रयास अगर बेहतर हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे महात्मा गांधी की जो अवधारणा है उससे जो है हमारे देश को और बेहतर स्थिति होगी, और जो है हमारी दुनिया में उसकी, हमारे देश की एक इमेज अलग बेहतर होगी। कमिश्नरी ऑफिस के अन्य कार्मिकगण, आज 2 महापुरुषों का हम जन्मतिथि मनाते हैं। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए थे
और हमारे प्रधानमंत्री रहे महापुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी, जो 2 अक्टूबर 1902 को पैदा हुए। कहने को इन दोनों महापुरुषों के बारे में जितना भी कहा जाए बहुत कम होगा, लेकिन यदि हम दोनों महापुरुषों की जीवनी को देखें और उनके क्रियाकलाप को देखें, तो एक चीज़ जो बहुत स्पष्ट निकल के आती है और जो समानता दोनों में है वो ये है कि इनके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। आज इस चीज़ की मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि हम जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें एक रूपता होनी चाहिए, उसमें अलगाव नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी जी बहुत सफलतापूर्वक साउथ अफ्रीका में वहाँ की कॉलोनियल पावर को चैलेंज करते हुए भारतवर्ष आए थे और भारतवर्ष में उन्होंने 1916-17 के बीच में एक अपना नाम जो स्वतंत्र आंदोलन चल रहा था उसमें अंकित किया था। उसके बाद से पूरी लड़ाई आपको 1947 तक की याद है। यदि महात्मा गांधी जी का सबसे बड़ा कोई एक योगदान हो सकता है राजनीतिक जीवन का, वो उनका ये था कि उन्होंने इस पूरे देश को, जो उनके आने से पहले बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब विभिन्न प्रांतों में बटा हुआ था, विभिन्न अंचलों में बटा हुआ था, उसको एक लक्ष्य, एक राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक मंच पर ला खड़ा किया और ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ना तभी सक्षम हुआ, तभी सफल हुआ, क्योंकि उन्होंने सारे देश को एक सूत्र में रोक दिया। राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो कुछ महात्मा गांधी जी ने किया उसके लिए हम सदैव उनके कृतज्ञ रहे। पर राजनीतिक जीवन के अलावा और राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति के अलावा महात्मा गांधी जी का एक दार्शनिक एस्पेक्ट भी है, दार्शनिक दृष्टिकोण भी है, और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उससे अपने जीवन को सीखने के लिए बहुत मिलता है। और उसमें सर्वोपरि है सादा जीवन। आज किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कार्मिक को जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले वो शुरुआत करता है कि मेरे प्राप्ति इतने हैं सरकार से, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये चीज़ें और मिलनी चाहिए थी, मेरा अनरिडियम ज़्यादा होना चाहिए था, मेरा महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है, मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। और इसका मूल कारण ये है कि जीवन जीने की जो शैली है वो हमने उस पर ध्यान नहीं दिया है। और यदि हम जीवन जीने की शैली पर ध्यान नहीं देंगे तो कितना भी पैसा आपको मिल जाए, कितनी भी समृद्धि आप ले लें, वो कम ही पड़ेगी। और मुझे लगता है ये आज के दिन जो अपर न्यायिक साहब ने भी कहा, ये आत्म अवलोकन करने की बात है कि क्या जिस जीवन शैली से हम जी रहे हैं वो क्या सही है। और मैं बताऊं आपको कि अपने को क्वेश्चन करना, अपने को अपने क्रियाकलापों पर प्रश्न चिन्ह लगाना बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत दुरूह है, बहुत कठिन है, क्योंकि हर व्यक्ति को ये लगता है कि वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है। तो सादा जीवन, और मुझे लगता है हर व्यक्ति को ये देखने की आवश्यकता है कि क्या जितने हमारे पास संसाधन हैं उन संसाधनों में हम अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते, या हम दूसरे को देख के एक भेड़ चाल में चलते रहेंगे और पूरा जीवन सिर्फ ये संसाधनों को जुटाने में ही हम निकाल देंगे। दूसरा उनका जोर जो सत्य अहिंसा पर था, मुझे लगता है उसकी भी आज के समाज में बहुत ज़रूरत है। आज देश में बहुत समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान कठिन भी है, इसीलिए वो समस्याएं इतने दिन से चली आ रही हैं। और महात्मा गांधी जी का जीवनकाल और जीवनी ये बताती है कि उन समस्याओं का समाधान यदि हमें वाकई में निकालना है और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन करना है तो हमें अहिंसा के रास्ते पर चलना करना पड़ेगा। हिंसा के रास्ते से निकाला गया कोई भी सॉल्यूशन चिरस्थायी नहीं होगा, दीर्घकालिक नहीं होगा, और ये आप अपने आप इतिहास के पन्ने को पलट के देख रहे हैं। वही सॉल्यूशन दीर्घकालिक होता है जो अहिंसा से पाया जाता है। और मुझे लगता है कि ये हमें सीखने की ज़रूरत है, सत्य के रास्ते पर चलते हुए कैसे
अहिंसा के माध्यम से हम अपने लक्ष्य की प्राप्त कर सकते हैं, देश की समस्याओं को समाधान कर सकते हैं, वो एक और बिंदु है जिसे हमें देखने की आवश्यकता है। और तीसरी चीज़ जिसको आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है देश को, और जो अपराय प्रशासन साहब ने अपनी स्पीच में कहा, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी जिनका विशेष जोर देते हैं, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर प्रदेश। आज हमारी जनसंख्या लगभग 130 करोड़ के ऊपर, 130 करोड़ की जनसंख्या एक बहुत बड़ा मानवीय संसाधन है, किंतु यदि ये मानवीय संसाधन आत्मनिर्भरता पर अपने जीवन निर्वाह के लिए खुद अपने साधन को, संसाधनों को नहीं तलाशेगा, तो यही पॉपुलेशन जो एक हमारा एसेट हो सकता है, वो हमारे लिए भार हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगी। और गांधी जी ने चरखा चला के यही संदेश देने का कोशिश किया है, दांडी मार्च में जो नमक बना के ब्रिटिश कानून को चुनौती दी थी, उन्होंने यही संदेश देने का कोशिश किया है कि कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता, हमें अपनी जीवन यापन के लिए खुद अर्न करना चाहिए, लाइवलीहुड कैसे हो ये हमें आत्मविचार करके अपने संसाधनों से अपनी आय का स्रोत ढूंढना चाहिए, और अपने खर्चों के लिए अपने ऊपर ही आत्मनिर्भर होना चाहिए। और इस ओर उत्तर प्रदेश सरकार ने कई योजनाएं चला रखी हैं, जैसा कि आपको विगत उन योजनाओं में मैं बहुत विशेषता जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि गांधी जी के जीवन के आदर्श मूल्यों को उत्तर प्रदेश शासन ने अपनी विभिन्न परिकल्पनाओं, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो महिला उन्नयन के क्षेत्र में हो, चाहे वो गरीब कल्याण योजना हो, चाहे वो कमज़ोर वर्ग हमारे अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के भाई बहन हो, उनके लिए हो, और ये कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। और आपके माध्यम से यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि गोरखपुर मंडल में हम सभी योजनाओं का रूपायन काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, और आशा करते हैं कि जो ये कमज़ोर वर्ग हैं, इससे इनको फ़ायदा होगा, और एक निश्चित समय सीमा के भीतर ये उस गरीबी रेखा से ऊपर आ पाएंगे। इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि उस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री जैसे पद को शोभित करते हुए देश को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दिखाया कि सादा जीवन क्या होता। गांधी जी ने जो दार्शनिक मूल्य दिए, उसको लाल बहादुर शास्त्री जी ने सही रूप में दिया। मुझे याद है लाल बहादुर शास्त्री जी सर्वप्रथम कैबिनेट में जब रेलवे मंत्री थे, रेल मंत्री थे, और उस समय भारत का स्वतंत्रता के बाद का पहला रेल एक्सीडेंट, बड़ा रेल एक्सीडेंट हुआ था। वो रेल मंत्री थे कैबिनेट स्तर के, और रेल एक्सीडेंट होने के बाद उन्होंने तुरंत अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री जी को सौंप दिया। ये होती है कर्तव्य निष्ठा, जबकि आपको भी पता है कि एक सुदूर क्षेत्र में, सुदूर अंचल में यदि कोई रेल एक्सीडेंट होता है तो उसमें कैबिनेट मिनिस्टर की डायरेक्टली रिस्पांसिबिलिटी नहीं होती, कई लोग नीचे स्तर पर काम करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस विभाग का मुखिया हूँ, इस मंत्रालय को मैं चला रहा हूँ, और यदि ऐसा हुआ है तो इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। और मुझे लगता है यदि और चीज़ों को हम छोड़ के शास्त्री जी के जीवन से सिर्फ दो चीज़ें सीख लें, एक तो सादा जीवन, जिसके बारे में मैं महात्मा गांधी जी की जीवनी के बारे में कहते हुए कह चुका हूँ, और दूसरा अपना उत्तरदायित्व का निर्वाह करना। आज बहुत कार्मिकों में ये देखा जाता है कि अपनी चीज़ को वो दूसरे में कह देते हैं, आज की चीज़ को कल को करने के लिए सोचते हैं, कल की चीज़ को परसों करने की सोचते हैं, कई लोग बहानेबाजी करते हैं जिससे कि जो गरीब जनता है उसको बार बार आना पड़ता है। और मुझे लगता है ये दिन इसलिए सिर्फ नहीं है कि हम जाके 2 अक्टूबर को छुट्टी है, कार्यालय बंद है और घर में आराम करें, हमें लगता है हमें कहीं ना कहीं अभी तक जैसा हमने जीवन, चाहे वो आपका प्रोफेशनल जीवन हो चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, कैसा जिया है और क्या इन मूल्यों पर हम खरा उतरते हैं, उसका मूल्यांकन करने की ज़रूरत है। किसी और को नहीं, आपको खुद अपनी कॉपी को चेक करने की ज़रूरत है, अपने को अंक देने की ज़रूरत है, और जहाँ लगता है कि आपसे त्रुटि हो रही है, जहाँ आपको लगता है कि जहाँ पर आप कमज़ोर हो रहे हैं, उसको आपको खुद प्रयास करते हुए ठीक करने की ज़रूरत है। इन्हीं आशा के साथ मैं पुनः
इन दो महापुरुषों महात्मा गांधी जी और माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के जन्मदिन पर, जन्मदिवस पर उनको बहुत बहुत कृतज्ञता अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आशा करता हूँ कि उनके जीवन मूल्यों से हम सीखेंगे और सीखते हुए अपने जीवन को परिवर्तित सकारात्मक रूप में करने के लिए आगे बढ़ें। धन्यवाद। देखिए, आज दो महापुरुषों का जन्मदिन है, महात्मा गांधी जी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी, और उनको आज एक श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर है और जिसको हम लोगों ने आज यहाँ पर कमिश्नरी कार्यालय के प्रांगण में करने का प्रयास किया है। और सच्चे रूप में उनको यदि हम श्रद्धांजलि दो महापुरुषों को देना चाहते हैं तो सिर्फ पुष्पांजलि से काम नहीं चलेगा, हमें लगता है अपने कर्मों से और देश की सेवा से और राज्य की सेवा से और इस प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाते हुए यदि हम कार्य करेंगे तो वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और आशा करता हूँ कि उनके जो ध्येय वाक्य हैं उनसे हम सीखेंगे और अपने जीवन को सकारात्मक रूप से परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे।